जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ, तहे दिल से तुझे सबसे बड़ा तस्लीम करता हूँ। तेरा ही नाम आता है मेरे होठों पे लहराकर, तुझी को डाल के हमको सदा तस्लीम करता हूँ। तेरी अजमत के आगे खौफ से ऊंचे पहाड़ों को, तेरी अजमत के आगे खौफ से ऊंचे पहाड़ों को मैं राई की तरह सहा हुआ तस्लीम करता हूँ। तुझी से मांगता हूँ मैं मदद हर एक मुश्किल में, तुझी से मांगता हूँ मैं मदद हर एक मुश्किल में, तुझी को मैं बहुत मुश्किल कुशा तस्लीम करता हूँ। आइए आज का एक प्रोग्राम कुरान करीम की मुनासिबत से मुनाकिद किया गया है। आज रंग बिरंगे फूल इस बज़्म में और इस चमन में खिलने वाले हैं और आप उसका मंजर अनकरीब इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखेंगे। आइए इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए बिना किसी तकलीफ और तकलीफ के, इस इलाके के ही नहीं उन्हें बड़ी खुशी होती है जब तक कारी साहब रौनकी स्टेज नहीं होते थे, तालिबिली के ज़माने में थे, उस वक्त तक मैं कमी महसूस किया करता था कि हमारे इस इलाके में कोई ऐसा कारी नहीं है जो स्टेज पर बैठ करके खूबसूरत अंदाज में कुरान की तिलावत करे। अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब तशरीफ लाए और कारी साहब के तशरीफ लाने के बाद वो खला पूरा हुआ और मैं दावे के साथ कहता हूँ और सीना धो करके कहा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब बेहतरीन लबो लहजे के मालिक हैं। आप जुबान के अदा शनास हैं, नज़ाकत लबो लहजे के शनावत वाली हैं। आप मरकज़ी जामिअतुल इस्लाम और कुरान बिहार हरपुर के एक अजीब शान शोबे तजवीद व क़िराअत के उस्ताद हैं। मैं कारी साहब से बसत तलब करा गुजारिश करूँगा कि आप उस कुरान पाक की तिलावत फरमाएं कि जिससे गुलिस्तान ईमान को रंग खूब मिली और दोस्तान इस्लाम को तरो ताज़गी और रौनक हासिल हुई, जिससे ग़ार-ए आलम के पहाड़ों में निखार आया और जिससे चमनिस्तान कायनात में नूर और रोशनी फैली, जिसके हुस्न की ताबानियों जमाल की तरफशानियों और कमाल के परावानियों के सामने गुज़िश्ता कुतुबे समाविया मार पड़ गई, जिस नैयर ताबा आफ्ताब दरअशां और सिराज मुनीर के ज़ौफ़िगम होते ही महफिल रुश्क हिदायत की फरोदा की नीले पिछ गई, जिसने सादिका कुतुबे समाविया और सूफ़े रब्बानिया पर खत्ते तनसीख खींच दिया, जो हकायक और हकायक का खजीना है, उलूम व मारिफ का तकफीना है और हिकम व असरार का गंजीना है। आइए मैं कारी साहब से गुजारिश करूँगा कि कारी साहब तशरीफ लाए। अब बाज़ाब्ता इस नूरानी अदब का कुरान पाक के तिलावत के जरिए से आगाज फरमाए जनाब कारी फिरोज़ अहमद।
Yeah.